शिक्षा का अधिकार सभी के लिए जो है खुला हुआ है। आज प्राथमिक स्तर से लेकर के स्नातकोत्तर स्तर तक शोध कार्य तक जो है छात्राओं के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था की गई है। UGC द्वारा जो है अनेक छात्रवृत्तियाँ उनको प्रदान की जाती हैं, शोध कार्य के लिए उनको प्रोत्साहित किया जाता है, धनराशि उनको प्रदान की जाती है, कला वर्ग के लिए अलग, विज्ञान वर्ग के लिए अलग उनको जो है धनराशि प्राप्त की जाती है। तो आधुनिक समय में सभी अभिभावकों को अपने बच्चों को जो है शिक्षा प्रदान करानी चाहिए, वो शिक्षा प्राप्त काम करना चाहिए उनको, क्योंकि शिक्षा प्राप्त करने के बाद ही महिलाएं अपने अधिकारों को जान सकती हैं, समझ सकती हैं कि क्या उनके अधिकार हैं। हम केवल उनको सिर्फ कर्तव्य की बात करते हैं, सिर्फ उनको आदेशित करते हैं, सिर्फ हमको ये कहते हैं कि ये काम आपको नहीं करना चाहिए, या ये काम घर का काम, रसोई का काम या अन्य काम जो है सिर्फ हम बालिकाओं के लिए, महिलाओं के लिए छोड़ते हैं और पुरुषों को जो है उन कामों से वंचित रखते हैं। तो कम से कम शिक्षा प्राप्त करने के बाद महिलाएं जागरूक होंगी, वे अपने अधिकारों के प्रति जानेंगे, और आज यही कारण है कि शिक्षा प्राप्त करके महिलाओं बड़े से बड़े पद को सुशोभित कर रही हैं और बहुत अच्छा जो है वो शासन प्रशासन और शिक्षिकाएं बनी हुई हैं। दूसरा, उस समय की व्यवसायिक शिक्षा के बारे में अगर हम चर्चा करें तो उस समय की व्यवसायिक शिक्षा कैसी थी। उस समय जो है छात्र को भाषा, साहित्य, धर्म और दर्शन और नीति शास्त्र का ज्ञान जो है प्रदान किया जाता था। प्रारंभिक वैदिक काल में शिष्यों को उनकी योग्यता के अनुसार, उत्तर वैदिक काल में उनको वर्ण के आधार पर जो है और जो कर्म या व्यवसाय की शिक्षा दी जाती थी। ब्राह्मणों को जैसे पठन पाठन का कार्य, अध्यापन कार्य, कर्मकांड की शिक्षा, यज्ञ की शिक्षा, ये पुरोहित कार्य करते थे। क्षत्रियों को राजनीति और रणकौशल की शिक्षा प्रदान की थी, क्योंकि उस समय जो है राज्य की सीमाएं जो है स्थिर नहीं रहती थी, एक राजा दूसरे राज्य पर आक्रमण करता रहता था, और इसलिए इनको सैनिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। उसमें अनेक सैनिक जो है घायल होते थे, अनेक सैनिक मारे जाते थे, महिलाएं विधवा होती थी। तो अपार संघर्ष की स्थिति जो है उस समय पर रही है, अनिश्चितता की स्थिति रही है, और उसी आधार पर जो है शिक्षा का स्वरूप भी वैसा ही रहा। तीसरा है, वैश्यों को कृषि कार्य के लिए, पशुपालन करने के लिए, हीरे जवाहरात की पहचान करने के लिए, जैसे सोनार, आधुनिक समय में सोनार जो है वो स्वर्ण का कार्य करते हैं, मूल्यन का कार्य करते हैं, और कुछ व्यक्ति जो हैं अपना व्यवसाय करते हैं, चाहे वो उनका व्यवसाय किसी भी प्रकार का हो, वैश्य जो है उसमें व्यवसायिक शिक्षा प्रदान उस समय पर की जाती है, और शूद्र को उस समय शिक्षा किसी प्रकार की व्यवसायिक शिक्षा प्रदान नहीं की जाती, बल्कि उसको जन्म से ही दास बनाया जाता था, और वो उसको बताया जाता था कि आपका कार्य सिर्फ सेवा करना है, दूसरे वर्ग की सेवा करना ही आपका परम कर्तव्य है, आपका कोई अधिकार नहीं है, आपको शिक्षा प्राप्त नहीं करना चाहिए, नहीं आपका अधिकार है। तो वो समाज जो है बहुत पीछे की ओर चला गया। आज 3,000 वर्ष से लेकर 4,000 वर्ष से लेकर के वो समाज भी अपनी स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाया है। तो इसके लिए एक विशेष अभियान चलाने की आवश्यकता है, ताकि वो समाज आज जो है उस वर्ग के बराबर जो है बराबरी कर सके। उसके लिए हमको चाहे स्वयं सभी शिक्षितों को मिलकर के, राज्य सरकार को मिलकर के, भारत सरकार को जो है उनके लिए प्रावधान किए जाने चाहिए, ताकि समाज में जो है समानता बरकरार रहे और वो एक विकास की जो रेखा होती है उसमें भागीदार बन सके। तो विश्वविद्यालय को भी इस पर जो है ध्यान दिया जाना चाहिए। उस काल में जो है उनको सिर्फ सेवा कार्य करने के लिए शूद्र वर्ण में वो रखते थे, वो केवल जो है कताई, बुनाई, रंगाई और वस्तुकला, चित्रकला, शिल्प कार्य जो है ऐसे कार्य जो है उनसे कराए जाते थे, और वे अपनी शिक्षा, ये जो है जो शिक्षा थोड़ी बहुत प्राप्त करते थे या प्रशिक्षण प्राप्त करते थे, वो सिर्फ अपने परिवार से ही प्राप्त करते थे, उनको कोई विशेष रूप से अलग से प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा था। और उनको जो है जो कार्य होते थे, चाहे वो मतलब कठिन कार्य या मेहनत का कार्य ही उनसे जो है हम कराया जाता था। वैदिक काल में हमारे देश में जो है रोग निदान, रोग उपचार, औषधि निर्माण,
शल्य विज्ञान की चिकित्सा की भी उत्तम व्यवस्था उस समय पर की जाती थी, उसका प्रशिक्षण दिया जाता था। जैसे आधुनिक समय में आज हम BA, MS, MBBS और अनेकों डिग्रियां जो है प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन उस समय की शिक्षा और आज के समय की शिक्षा में दोनों में परिवर्तन हो रहा है। आज हम समाज में देखने को रहेंगे जो पूंजीपति वर्ग है, जो धनी वर्ग है, वो धन के आधार पर अपने बच्चों को जो है मतलब मेडिकल लाइन में जो है भेज देता है। देखो उस समय ऐसा नहीं था, उस समय सिर्फ योग्यता के आधार पर, उसकी जो रुचि होती थी उसके आधार पर उसको जो है शिक्षा प्रदान की जाती थी और वो निशुल्क जो है समाज की सेवा करते थे। तक्षशिला और पाटलिपुत्र आयुर्विज्ञान और शल्य शिक्षा के विज्ञान के उस समय के मुख्य केंद्र रहे। छात्र रोग निदान और रोग उपचार की व्यवहारिक शिक्षा जो है उस समय प्रदान की जाती थी। पशु चिकित्सा विज्ञान का भी विकास हो चुका था। सली होम इस विज्ञान का जन्मदाता होता था, पर इस विज्ञान की व्यवस्था गुरुकुल में नहीं पशु गृह में दी जाती थी। जैसे कि आज हमारे अगर देखा जाए तो उत्तराखंड में पंत नगर कृषि विश्वविद्यालय है, वहाँ पर छात्रों को जो है कृषि से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। वहाँ पर जो है मास्टर डिग्री, स्नातक डिग्री, शोध कार्य जो है उनको बताया जाता है कृषि से संबंधित, पशुपालन से संबंधित। ये भारत का एक बहुत बड़ा जो है विश्वविद्यालय, यहाँ पर जो है पूरे भारत से जो है बच्चे शिक्षा प्राप्त करने के लिए आते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी गौरव की बात है कि उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के पास ही जो है कृषि विश्वविद्यालय है, जहाँ से हमारे जो है हम लोग के जो है शिक्षा प्राप्त जो है बच्चे कर सकते हैं और हम उनको सही दिशा दे सकते हैं, छात्रों को बता सकते हैं कि वहाँ एग्रीकल्चर की शिक्षा प्रदान की जाती है, व्यवसायिक शिक्षा प्रदान की जाती है। बात करते हैं प्रारंभिक वैदिक कालीन शिक्षा और उत्तर वैदिक कालीन शिक्षा में क्या समानताएं रही हैं। दोनों कालों में शिक्षा को उसके संकुचित और व्यापक दोनों अर्थ में लिया जाता है। दोनों कालों में शिक्षा राज्य के नियंत्रण से मुक्त थी, निशुल्क थी। दोनों काल में प्रारंभिक शिक्षा की व्यवस्था परिवारों में और उच्च शिक्षा की व्यवस्था गुरुकुल में होती थी। दोनों कालों के शिक्षा के जो हैं, चाहे वो प्रारंभिक वैदिक काल रहे हैं चाहे उत्तर वैदिक काल रहे हैं, उद्देश्य समान थे। मनुष्य के धार्मिक एवं नैतिक विकास पर बहुत अधिक बल दिया जाता था। उस काल में शिक्षा का माध्यम जो है संस्कृत भाषा थी और वो का शिक्षण जो है मौखिक रूप से छात्रों को प्रदान किया जाता था। रटने पर बल दिया जाता था क्योंकि लिखित सामग्री हमारे पास उस समय उपलब्ध नहीं थी। समाज में गुरुओं को बहुत बड़ा जो है सम्मान प्राप्त था, उच्च स्थिति प्राप्त थी और समाज उनको जो है बड़ी सम्मान के तरीके से उनको देखता था। गुरु शिष्य के आवास, भोजन, वस्त्र की व्यवस्था जो है करते थे, उनके सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न करते थे। शिष्य और गुरु गुरुकुल के आश्रम में अनुशासन में रहते थे, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, चाहे वो वैदिक काल रहा है चाहे उत्तर वैदिक काल रहा है, दोनों में एक दूसरे का जो है सम्मान किया जाता है। लेकिन आज जो है कुछ गुरु और शिष्य में संबंध उतने मधुर नहीं रहे हैं। आज शिक्षा प्राप्त करने के बाद, आज डिग्री प्राप्त करने के बाद छात्र गुरु को भूल रहा है, गुरु छात्र को भूल रहा है और उनके बीच कोई सौहार्दपूर्ण संबंध देखने को नहीं मिल रहा है। इसका कहीं ना कहीं जो अगर देखा जाए तो हमारी शिक्षा व्यवस्था है, हमारा पाठ्यक्रम है, छात्र जो है कुंठित हो रहा है, छात्र डिग्रियां प्राप्त कर रहा है, डिग्रियां प्राप्त करने के बाद जो है वो बेरोजगार घूम रहा है, उसको नौकरी नहीं मिली। तो हमको ऐसी शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए जो छात्र के हित में, छात्र को रोजगार प्रदान कर सके, उसको उस शिक्षा के लिए मोटिवेट कर सके ताकि वो समाज में का जो है विकास कर सके और हमारे भारत को एक विकसित राष्ट्र की श्रेणी में जो है ला सके। यद्यपि दोनों काल में गुरुकुल का स्वरूप जो है समान था, उनकी दिनचर्या जो है संस्कार प्रधान थी। दोनों काल में जन शिक्षा की बात तो नहीं सोची गई थी और स्त्री शिक्षा पर भी अपेक्षाकृत कम ध्यान गया था। दोनों काल में धार्मिक तथा नैतिक शिक्षा पर सर्वाधिक बल रहा है। तो ये सारी चीजें जो है हमको समानता जो है, चाहे वो वैदिक काल रहा है चाहे उत्तर वैदिक काल रहा है, दोनों उस समय पर बहुत कुछ ऐसी पॉजिटिव जो है करेक्टरिस्टिक रही हैं जो आज शायद इनका रूप परिवर्तित हो गया। हमको उन अच्छाइयों को स्वीकार करते हुए
अपनी शिक्षा प्रणाली को जो है श्रेष्ठ बना होगा, छात्रों से सौहार्दपूर्ण संबंध बनाने होंगे, तभी हम शिक्षा को जो है एक सही दिशा प्रदान कर सकते हैं। बात करते हैं इनमें असमानताएं क्या रही हैं वैदिक काल में और उत्तर वैदिक काल शिक्षा में, क्या असमानताएं हमने देखी हैं। तो इसमें यदि जैसे देखा गया है कि प्रारंभ वैदिक काल की अपेक्षा उत्तर वैदिक काल की शिक्षा में उच्च शिक्षा की पाठ्यचर्या अधिक विस्तृत थी। उसमें चारों वेदों, इतिहास, पुराण, राशि, ब्रह्म विद्या, देव विद्या, भूत विद्या रही हो, चाहे अर्थशास्त्र रहे और विधि शास्त्र को सम्मिलित किया गया था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिक्षण की विधि जो थी वो नाटक, कहानी और उसमें स्वाध्याय विधियों पर जो है अधिक। प्रारंभिक वैदिक काल में अनुशासन के आंतरिक पक्ष, आत्मानुशासन पर अधिक बल दिया जाता था और उसमें शारीरिक दंड का निषेध था। लेकिन उत्तर वैदिक काल में अनुशासन के बाह्य पक्ष अर्थात गुरु के आदेशों और गुरुकुल के नियमों का पालन पर अधिक बल दिया जाता था और अनुशासनहीनता करने पर विशेष परिस्थिति में शारीरिक दंड का भी प्रावधान था। जैसे कि अभी हमारे देश में भी जो है कुछ समय पूर्व जो है बच्चे को शारीरिक दंड जो है प्रदान किया जाता था, लेकिन आज शारीरिक दंड पर जो है पूर्ण रूप से निषेध कर दिया गया है और छात्र को हम शारीरिक दंड प्रदान नहीं कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा सुधार हमको समाज में देखने को मिला। दूसरा है प्रारंभिक वैदिक काल में किसी वर्ण के व्यक्ति जो है गुरु हो सकते थे, लेकिन उत्तर वैदिक काल में केवल ब्राह्मण वर्ग के व्यक्ति ही शिक्षक हो सकते थे। तो ये एक बहुत बड़ा जो है बदलाव आ गया था, समाज में सिर्फ एक वर्ण का व्यक्ति ही शिक्षित मतलब शिक्षक बन रहा था, दूसरे वर्ण को जो है शिक्षक बनने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया गया था, क्योंकि ये परंपरागत रूप से परिवार के रूप में से उन्होंने जो है शिक्षक बनना आरंभ कर दिए थे। आधुनिक समय में इसमें परिवर्तन हुआ है। आज शिक्षा, शिक्षण, प्रशिक्षण के आधार पर सभी वर्गों के, सभी जातियों के, सभी धर्मों के व्यक्ति जो है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब रहा, चाहे वो गांव में उसका जन्म हुआ, चाहे शहर में रहा, वो शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त करके जो है शिक्षा शिक्षक बन रहा है और समाज को एक सही दिशा देने का प्रयास कर रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल में जो है एक शिक्षक होते थे और ये नगरों से प्राय दूर होते थे, प्रकृति के स्वर में गोद में होते थे, परंतु उत्तर वैदिक काल में जो है ये बहु शिक्षक होते गए और बड़े बड़े गांव, नगरों और तीर्थ स्थानों में इनके निकट स्थित होने लगे थे। प्रारंभिक वैदिक काल में गुरुकुलों के छात्रों के विषयों का चयन उनकी आवश्यकता अनुसार करने का अधिकार था, परंतु उत्तर वैदिक काल में वर्ण अनुसार अध्ययन सीमित करा दिए गए थे। प्रारंभिक वैदिक काल में अपेक्षा उत्तर वैदिक काल में स्त्री शिक्षा पर कम ध्यान दिया गया। जैसे कि अभी हमने बताया गया था कि उत्तर वैदिक काल में जो है धीरे धीरे जो है शिक्षा से जो है उनको वंचित कर दिया गया था, लेकिन अब आज के समय में जो है शिक्षा पूर्ण रूप से उनको प्रदान की जा रही है, उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि भाई आप अपनी बालिका को शिक्षित कीजिएगा और सरकार जो है इसके लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है, कटिबद्ध है और प्रयास अपने स्तर से कर रही है, जिससे आज समाज का रूप जो है बदल रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल में व्यावसायिक शिक्षा बच्चों की योग्यता के आधार पर, उनकी क्षमता के आधार पर प्रदान की जाती थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इसका रूप वर्ण के आधार पर, ब्राह्मण वर्ग, क्षत्रिय वर्ग, वैश्य वर्ग, शूद्र वर्ग के आधार पर जो है व्यावसायिक शिक्षा उनको प्रदान की जाने लगी, जिसका पूर्ण रूप से स्वरूप ही बदल गया। अर्थात जो जिस वर्ण में जन्म ले लेता उसी के आधार पर वो शिक्षा प्राप्त कर रहा था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक जो है निगेटिव अप्रोच हमको देखने के मिली कि एक समाज को जो है आगे बढ़ाया गया, दूसरे समाज को जो है वहीं पर रोका गया है। इसमें एक बड़े बदलाव की आज भी आवश्यकता महसूस की जा रही है कि समाज के सभी वर्गों को आगे लाने के लिए चाहे कुछ वर्गों को विशेष जो है प्रशिक्षण दिया है, विशेष सुविधाएं हैं, तो ये सारी सुविधाएं जो है उनको प्रदान की जानी चाहिए ताकि वो समाज के वर्ग जो है सब बराबर हो सकें और आगे की ओर जो है विकसित मतलब विकसित हो सके। दूसरा है प्रारंभिक वैदिक काल में कला कौशल की शिक्षा जो है सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था और गुरुकुल में इसकी शिक्षा की उत्तम व्यवस्था जो है की गई थी, परंतु उत्तर वैदिक काल में इन्हें हीन दृष्टि से समझा जाने लगा,
यह कार्य शूद्रों की झोली में डाल दिया गया और जिनकी शिक्षा वे अपने परिवार से प्राप्त करते थे, चाहे वो तीरंदाजी का रहा है चाहे किसी और चीज का रहा है। प्रारंभिक वैदिक काल में नीति प्रधान शिक्षा धार्मिक थी, और परंतु उत्तर वैदिक काल में कर्म कांड प्रधान धार्मिक शिक्षा प्रदान की जाती थी। अब हमने इस पर वैदिक काल के ऊपर काफी चर्चा जो है किया है, और पहले जो है हमारा जो लेक्चर हुआ था उस पर भी हमने आपसे शिक्षा के उद्देश्य, वैदिककालीन शिक्षा व्यवस्था, वैदिककालीन व्यवस्था किस तरीके की थी, किस प्रकार जो है छात्रों को शिक्षा प्रदान की जाती थी, आश्रम व्यवस्था क्या थी, इस पर काफी चर्चा। अब छोटा सा एक हम इसके गुण दोष के आधार पर जो है आपसे चर्चा करेंगे, वैदिककालीन शिक्षा प्रणाली में क्या गुण थे। देखिए, सबसे बड़ा गुण तो यह था कि उस समय भी जैसे निःशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती थी, जैसे कि आज भारत सरकार जो है 6 वर्ष से लिए 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की व्यवस्था उसने कर दी है, जो 1 अप्रैल 2010 से जो है पूरे भारत में जो है लागू है। और गरीब बच्चों के लिए जो है 25% जो है जो प्राइवेट स्कूल आज जो है संचालित किए जा रहे हैं, वहाँ 25% सीटें जो हैं गरीब बच्चों के लिए आरक्षित की जाए हैं। देखना ये है कि क्या वो वहाँ पर 25% बच्चे पहुँच रहे हैं या नहीं पहुँच रहे हैं, सरकार को इस ओर पर जो है ध्यान देना चाहिए, और उसके लिए जो है उनको निरीक्षककर्ता जो है नियुक्त किए जाने चाहिए। उस समय शिक्षा का स्वरूप बड़ा व्यापक था, शिक्षा के उद्देश्य भी बहुत व्यापक थे, छात्र को जो है पूरी व्यवस्थित तरीके से जो है शिक्षा प्राप्त करना होता था। ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करता है, गृहस्थ आश्रम का पालन करना पड़ता था, वानप्रस्थ आश्रम करना पड़ता, संन्यास आश्रम जो है करना पड़ता है, वर्ण के आधार पर शिक्षा प्राप्त करनी थी। और उस समय जो शिक्षा का हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो मोक्ष की प्राप्ति करना था, अर्थात मोक्ष इस जो है जन्म और पुनर्जन्म से जो है मुक्ति प्राप्त करना था, क्योंकि व्यक्ति को अपने जन्म के आधार पर, अपने कर्म के आधार पर बार बार जो है उसको जन्म लेना पड़ता था, और व्यक्ति इस जन्म और पुनर्जन्म के चक्र से बचने के लिए उसको धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन 4 चीजों से जो है वो मोक्ष की प्राप्ति जो है कर लेता था, जो सत्य मार्ग पर चलता था, धर्म के मार्ग पर चलता था, जो कर्म करता था, जो विद्वान व्यक्तियों का सम्मान करता था, जो देवताओं की पूजा अर्चना करता था, वो इन सब चीजों से मुक्त हो जाता था। उसी प्रकार पाठ्यचर्या भी जो है वेदों के आधार पर रखी गई थी, अनेक संहिताएं गठित की गई थी, अनेक जो है वेदों के अंतर्गत अनेक मंत्र जो है इसमें शामिल की गई, व्यवसायिक शिक्षा उनको छात्रों को प्रदान की जाती थी, और वो बड़ी उत्तम प्रकार की उस समय जो है शिक्षा व्यवस्था देखने को मिलती थी। अनेक उत्तम शिक्षण विधियों का, जैसे अभी हमने आपसे चर्चा किया है कि उस समय बड़े बड़े व्याख्यान होते थे, कंठस्थ विधि जो है किया जाता था, तर्क वितर्क होता था, ध्यान लगाया जाता था, संवाद होते थे, सेमिनार आयोजित किए जाते थे, इन सारी विधियों का जो है मतलब उस समय यूज किया जाता था, और गुरु और शिष्य के बीच जो है बहुत ही मधुर संबंध थे। गुरु और शिष्य एक दूसरे के अपने बड़ा कर्तव्य मानते थे, उनको पिता और पुत्र जैसे संबंध रहते थे, जैसे कि हम अपने बच्चों को जो है उच्च मतलब शिक्षा प्राप्त करने के लिए अपने बच्चों को, शिक्षक जो है अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करा रहा है पब्लिक स्कूलों में, लेकिन उन दूसरे लोगों को मोटिवेट करता है कि वो सरकारी स्कूल में पढ़े। ऐसा क्यों? कहीं ना कहीं हमारी सोच में अंतर है,